भैया इधर जो है पूरा जाम जाम लग चुका है क्योंकि ट्रेन जाएगा ट्रेन इसी कारण जो है जाम लगा है। आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तो आप सबको स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो भाई आज जो है चौथा दिन एग्जाम देने के लिए जाएगा लड़के सब, तो अभी दलसिंहसराय में है। तो आप जब यहाँ पे आए तो अच्छा अच्छा वाला वीडियो यहाँ पे शूट करेंगे। यहाँ पे जो अच्छा अच्छा घर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं भाई पीछे एकदम मस्त तरह लग रहा है कि मुंबई में है ऐसा लग रहा है। तो भाई चलो वीडियो दिखाते हैं आपको एग्जाम देने के लिए कैसे जाएगा लड़के सब। इधर जो है देख सकते भैया ये किताब की कोई वैल्यू नहीं है, किताब जो है भैया जैसे मतलब करके जो है फाड़ रहा है चिर रहा है, मतलब आंसर के कारण जो है जहाँ भी मतलब आंसर मिलता है वहाँ से जो है किताब को जो है फाड़ दिया जाता है और फिर अपने जहाँ भी तहाँ मन में जहाँ तहाँ घुसा लेता है। इस किताब में जो है क्वेश्चन देख रहा है आज जो है इंग्लिश का है एग्जाम, ठीक है याद कॉलेज ये याद नहीं करता, ये फाड़ फाड़ के जो है चीट मतलब चोरी करेगा स्कूल में, स्कूल में जाके तो देख सकते भैया ये फाड़ रहा है ये अखन जेबी में अखन ये देख लो भैया ये फाड़ रहा है इधर। और जो है इंग्लिश का मतलब एग्जाम है तो अभी तैयारी चल रहा है, मतलब चोरी चीट उठी है जो है बाहर चीट के जो है एकदम रेडी कर दिया है। अभी जो है व्हाट्सएप पर मतलब चेक करते हैं कि अभी क्वेश्चन भी आया है कि नहीं आया, अगर आया होगा वो भी लिख के जो है फटाफट फिट कर देगा। कहाँ चीट चुराता है इसको ही मालूम होगा, कहाँ चुराता है चीट हाथ में ले जाते हैं, एडमिट कार्ड हाथ में ले लेते हैं, लेके चले जाते हैं सर जी सिर्फ यही चेक करते हैं हाथ से, सुन लिए सर जी नहीं करता है सीधे ऐसे करके जेबी में हाथ देता है तो धराता है, फिर उसको जेबी में हाथ देता है कहीं और भी देता है, खाली सिर में हाथ या नहीं देता, हाथ या नहीं देता मोदी के चड्डी में हाथ देता। ये भाई ने कहाँ कहाँ चीज चुराया दिखाते हैं, दिखा तो भाई दे चड्डी में बाप रे बाप ऐसे में पकड़ा जाएगा इसका जो है ये देखा इसमें है इसमें ये वाला चाइन जो है चाइन ये वाला इसके अंदर जो है चीट है दो चीट इसमें घुसाया है उसका मेन चीट घुसाने वाला है ये मोहन भाई इसमें घुसाया उसके अंदर। तो अच्छा किया है जितना चोरी हो सकेगा उतना करेगा। तो देख लिए कुछ इस प्रकार था भैया। तो अभी जो है फिलहाल टाइम हो चुका है कितना 12 बज चुका है, ठीक है ना, तो डेढ़ घंटा के बाद जो है जाएगा परीक्षा एग्जाम देने के लिए तो चलेंगे। और इसके बगल में जो है ट्रेन भी जाता है, ठीक है ना, ट्रेन जाता है अभी नहीं जा रहा ट्रेन, लेकिन उधर जाएंगे तो घूमेंगे आपको भी दिखाएंगे। देख सकते भाई सब यहाँ पे जो है ट्रेन जा रहा है पीछे देख लो इधर से जो है ट्रेन जा रहा है, मजा आता है भाई साहब देखने में एकदम मस्त एकदम अच्छा फील होता है यहाँ पे आने के बाद। सो गाइस हो चुका है पूरा रेडी, तो भाई साहब टाइम भी हो गया है 1:12 हो गया, तो चलते हैं आप। अच्छा हाँ चीट भी रेडी हो चुका है सब चीज एकदम कंप्लीट, तो भैया चीट जो है पकड़वो करेगा नहीं पकड़ेगा कोई ठीक नहीं, वो तो वहाँ जाने के बाद जाते हैं देखते हैं क्या क्या माहौल है वहाँ पे। तो भाई चलो आप चलते हैं, मास्क से लगा ले यार कुछ छुटबो कर लो सो गाइस चलो आगे फाइनली लिया, तो सब जितना भी था लड़का वो चल गया जल्दी से, 1:25 में परीक्षा चालू है तो वो सभी पहुंच गया है। चलो हम पहुंचते हैं 25 से भैया, ये देखो वहाँ पे जो सामने स्टेशन है। सो गाइस थोड़ा दूर आने के बाद जो है इस देखे एंटर होता है स्कूल का, आगे भी रास्ता है एंटर होने का लेकिन ये शॉर्टकट है। सब है अपने गाँव का भैया सब चाचा इधर सब है, इधर क्वेश्चन उतर रहा है गाइस। यहाँ पे जो चेक कर रहा है कोई चीट ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है, कोई बात
चलो गाइस थोड़ा इधर आए घूमने के लिए, अब घूमेंगे इधर फिर जाएंगे रूम पर। भैया इधर जो पूरा जाम जाम लग चुका है क्योंकि ट्रेन जाएगा ट्रेन, इसी कारण जो है जाम लगा है। गाइस अभी बहुत जाम लग चुका है गाड़ी का उस रोड में, इस रोड में जो है खाली है पूरा। अभी गाइस दलसिंह सराय के बाजार में घुस चुके हैं, बहुत बाजार है अभी मतलब पार कर दिए हैं। सो भाई आ गए हैं फाइनली स्टेशन पे, दलसिंह सराय स्टेशन पे पहली बार आए हैं। भैया मजा आ रहा है इधर, भाई उधर भी एक टर्मिनल सीधी इधर भी है। अभी जो है ट्रेन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अभी ट्रेन नहीं आ रहा है, पर भैया देखते हैं कब तक आता है ट्रेन। ट्रेन का एक फुटेज लेंगे, वीडियो लेंगे। बहुत देर मतलब 15-20 मिनट यहाँ पे बैठे हैं, अभी तक ट्रेन नहीं आया, तो अभी जा रहे हैं फाइनली इधर साइड की तरफ। तो भाई साहब अपने रूम से कुछ ही दूर इधर आए तो इधर जो है झोपड़पट्टी देखने को मिल रहा है। उधर झोपड़पट्टी एक भी नहीं मिलता था देखने को, परंतु इधर लग रहा है कि अपने गांव की तरह हाय घर यार एकदम छोटा छोटा। तो पर भाई उधर जो है बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग था। और सो गाइस आपको पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है हरा कलर का, वो बिल्डिंग वो स्कूल है, ठीक है ना। उस स्कूल में भुल्ला का था, ठीक है ना, एग्जाम अगला साल उसका एग्जाम था। एक बात और बताना भूल ही गए, हमारे गांव में हमारे गांव के स्कूल में जितना भी पढ़ाई करता था ना, जहां भी लड़का कहीं का भी कोई सा भी गांव से मिली श्रीरामपुर भटोरा जहां का भी विद्यार्थी हमारे गांव का स्कूल में पढ़ाई करता था, उस सभी का जो है जहां जो स्कूल में अभी एग्जाम हो रहा है उस स्कूल में सब लड़का का एग्जाम हो रहा है, वहीं पे सब एग्जाम दे रहे हैं हमारे गांव जितना भी था। और हमारा जब मैट्रिक का एग्जाम हुआ था तब हमको रोसड़ा पड़ा था स्कूल, कस्तूरबा गांधी स्कूल का नाम है कस्तूरबा गांधी। पर इस बार जो है सबको जो है दलसिंह सराय। आपको देखो दलसिंह सराय का सबसे बड़ा स्कूल दिखाते हैं, तो ये रहा हमारे पीछे सबसे बड़ा स्कूल दलसिंह सराय का, बहुत बड़ा है भाई। दूर आने के बाद इस बड़ा स्कूल के आगे जो है एक बड़ा छोटा सा एक ग्राउंड है देख सकते हो। तो गाइस आपको दिखाते हैं थोड़ा इधर से देख सकते भाई इतना बड़ा स्कूल है ना दलसिंह सराय। सो गाइस इधर आए तो भाई साहब जो है फाइनली ट्रेन आ गया है, तो दिखाते हैं। गयो भैया इतना हवा आया है। तो गाइस अभी जो है रूम पे नहीं गए हैं, घूमते घूमते इधर ही आ गए हैं, अभी जो है इधर रहेंगे तब जाएंगे रूम पे। तो भाई आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो पसंद आया होगा लाइक शेयर जो भी है वो कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे ससुराग इसका पीछू आ रहा है किधर गया रे भैया, ए नाम सर। तो गाइस हमारे पीछे जो एक इंजन है, ठीक है, ट्रेन का इंजन है, इसका जो है डब्बा किधर गया किधर नहीं गया हमको देखने को, दूर दूर तक देख रहे हैं इंजन आ गया लेकिन इसका डब्बा नहीं आया साला अभी तक।